बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएच फिजिक्स फैमिली में। तो दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से फैमिली में। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो तीन टॉपिक है। पहला है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा हम लोग का फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और तीसरा और लास्ट होगा हम लोग का फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पिछले क्लास में हम कर चुके थे साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स के ब्रांचेस। तो वैसे बोला जाए तो फिजिक्स के 20 से भी अधिक ब्रांचेस हैं। हम लोग का चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में आज हम लोग करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। वैसे देखा जाए तो फिजिक्स को 20 से भी अधिक ब्रांचेस में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट्स में विभाजित करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हम लोग करेंगे क्लासिकल फिजिक्स या फिर मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और दूसरा करने वाले हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब यहाँ मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है बड़े लेवल पर, मतलब कि बहुत बड़े बड़े सिस्टम के ऊपर देखेंगे, और माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है एकदम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के अंदर देखेंगे। यहाँ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और ये माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ये दो हम लोग के पार्ट हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में और एक फिजिक्स होता है जो एनसीईआरटी के बुक का नीचे में स्टार के रूप में दिया हुआ है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो और माइक्रो के बीच में एक और एक नया ब्रांच लिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, वो दिया गया है मेसोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। ये इन दोनों के बीच में आता है और ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। वैसे आप देखें मॉडर्न फिजिक्स तो उस साइड है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, इसमें जो हमारे ब्रांचेस आते हैं वो है हमारे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और चौथा हो जाएगा हमारा मैकेनिक्स। ये हमारे क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट्स हैं। अब ये ऑप्टिक्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये लाइट से रिलेटेड है, इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे चैप्टर आएंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मल मतलब हम लोग जानते हैं एनर्जी, तो वैसा डायनेमिक्स मतलब कि मोशन से रिलेटेड चीज जिसमें किसका किसका रोल होता है, वो वहां पे रोल होता है हीट का, थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब यहाँ नहीं करेंगे, ये 12th का है, ये भी 12th का है, 11th में भी मिलेगा, और ये 12th का है। मैकेनिक्स हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे, जैसे कि मैकेनिक्स में हम लोग का हो जाएगा फोर्स, ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन, ये जितने भी पार्ट्स हैं मोशन से रिलेटेड ये हमारा किसमें आ जाएगा, मैकेनिक्स में। टॉर्क भी फोर्स से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, मैकेनिक्स में। तो ये चार पार्ट्स हैं हमारे मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के, मतलब कि क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग का आ जाएगा कंस्टिट्यूएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आता है। और दूसरा इसमें आता है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर फिजिक्स नहीं, ये क्वांटम मैकेनिक्स ही होगा,
क्वांटम मैकेनिक्स। तो एक तरीके से देखा जाए ये जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है वो बेसिकली ऊपर ऊपर से देख रहा है, पूरे सिस्टम को देख रहा है, उसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में क्या हो रहा है उस बारे में नहीं देखते हैं। जैसे कि हम जब भी बात करेंगे फोर्स के बारे में तो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेंगे जो 5 kg का होगा, उसमें फोर्स हम लोग लगाएंगे, खींचेंगे, ये ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरेगा, तो हम पूरे 5 kg के ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ जो करने वाले हैं यहाँ क्या होगा, इस 5 kg के ऑब्जेक्ट में जो भी एटम्स न्यूक्लियस होंगे उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं। तो ये है हमारा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये हम लोग ब्रांच देख लिए और ये इन दोनों के बीच में आता है मेसोस्कोपिक फिजिक्स। और वैसे तो हम लोग पहले कर चुके थे कि फिजिक्स इतना एक्साइटिंग क्यों है और इसका स्कोप कहां तक है। हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स ही ऐसा एक ब्रांच है साइंस का जिसमें बस बेसिक कुछ चीजें हैं जो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कि सम कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्स वाइड एरिया ऑफ नेचर। दूसरा क्या इसमें बेहतर चीज है, ये हम लोग को नेचर को डिकोड करके बताता है, मतलब कि नेचर में जो हो रहा है, हो सकता है या फिर जो हो चुका है, ये प्रिडिक्शन करने में मदद करता है। ये था हम लोग का एक्साइटमेंट। अब देखते हैं कि स्कोप क्या है। वैसे इसमें 3-4 चीजें होंगी जो हम बता रहे हैं। स्टार्ट करते हैं स्क्रीनशॉट के लिए तो जगह नहीं थी। अगला हम लोग करने वाले हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में बेसिकली ये तो बोला ही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है, ये नेचर के बारे में बताते हैं, और जैसे कि ब्लैक होल हो गया उनका भी प्रिडिक्शन फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ। जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो फिजिक्स के मद्देनजर ही आए हैं और इनका काफी रोल है फिजिकल लॉज का। तो हम लोग वैसे उन सभी चीजों को तो नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि लेंथ का मिनिमम वैल्यू फिजिक्स में क्या लिया गया है, मैक्सिमम क्या लिया गया, टाइम का भी वही और मास का भी वही। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेंथ का। लेंथ का जो मिनिमम वैल्यू है वो लिया गया है 10^-14 meter और लेस। ये 10^-14 हो सकता है या फिर उससे भी लेस, जैसे कि 10^-15 या 10^-16। ये स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे लेंथ का, और इसका मैक्सिमम यूनिट क्या ले सकते हैं 10^26 मीटर। अब ये दोनों क्या है, ये जो 10^-14 है ये रेडियस होता है इलेक्ट्रॉन का, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो 10^26 है ये हमारा गैलेक्सी का लेंथ है, गैलेक्सी है। ये हम लोग बात कर लिए किसके बारे में, लेंथ के बारे में। अब बात करते हैं हम मास के बारे में कि मास का क्या रेंज है फिजिक्स में, मास का रेंज देखने वाले। तो मास में हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे वो होता है 10^-30 kg और ये मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे ज्यादा बड़ा जो मास का वैल्यू है वो है 10^55 और ये मास है मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये जो मास है वो क्या है, मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना दूर तक हम यूनिवर्स को देख सकते हैं उसका मास क्या हो गया, लेंथ देख लिए, मास ले लिए। अब तीसरा हम लोग देखते हैं टाइम, टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो टाइम का मिनिमम वैल्यू बुक में दिया हुआ है 10^-22 second से लेके 10^16 18 second, ये दिया हुआ है टाइम का यूनिट। ये जो 10^8 18 है ये इस बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर टेबल में एनसीईआरटी बुक का ही देखे तो यहाँ 10^17 second दिया हुआ है, ये है
एज ऑफ यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है उसके एज को बता रहा है। और ये 10^-22 सेकेंड ये क्या है? प्लैंक्स टाइम, प्लैंक्स टाइम। और बोला जाता है कि 10^-22 से कम समय को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसके फिर नीचे दिया हुआ है 10^-24 सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है टाइम का। और ये क्या होता है? ये होता है लाइफ स्पैन, ये होता है लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल। ये दुनिया के सबसे अनस्टेबल पार्टिकल का लाइफ स्पैन है, मतलब कि दुनिया का सबसे अनस्टेबल पार्टिकल बस इतने समय तक ही लाइफ मतलब जिंदा रह पाता है, इसके बाद वो नष्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने कर लिया ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, दूसरा कर लिया हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स, अब देखने जाएंगे हम लोग फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी आगे हम बताएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसके बारे में हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी को जन्म देती है, या फिर कभी कभी टेक्नोलॉजी के वजह से फिजिक्स में लॉ कैसे बनते हैं और सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करते हैं ये फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, ये भी देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं फिजिक्स में सिलिकॉन चिप को निकाला गया, खोज किया गया सिलिकॉन चिप का। तो जानकारी के लिए ये रखते हैं कि सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो करंट को एकदम बहुत ज्यादा फ्लो होने देता है, और इंसुलेटर क्या करता है? एकदम नेग्लिजिबल फ्लो होने देता है, ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा डिवाइस है जो हम लोगों के आधार पर काम करता है। हम लोग चाहे तो इसको कंडक्टर भी बना सकते हैं और इंसुलेटर भी बना सकते हैं। और यही कारण है कि सिलिकॉन चिप मतलब कि सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये फिजिक्स की वजह से हुआ, फिजिक्स का खोज है सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन का खोज हुआ तो इसका जो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है वो है कंप्यूटर। और आप सभी जानते हैं अगर कंप्यूटर गायब तो लगभग दुनिया पता नहीं क्या हो जाएगा, चेंज बहुत अधिक हो जाएगा। तो हुआ क्या, सिलिकॉन चिप फिजिक्स के वजह से आया और इससे हम लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, वो है कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर ह्यूमन सोसाइटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब दूसरा देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आखिरकार कैसे फिजिक्स को नया रूप दे सकती है। तो इसमें हम पहले भी बता चुके थे हम लोग का हीट इंजन, हीट इंजन आगे पढ़ने वाले हैं, ये आएगा। हीट इंजन ऐसा इंजन है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ये आगे आएगा तो और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो हीट इंजन की वजह से फिजिक्स में न्यू लॉज जनरेट हुए, और वो लॉज आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, मतलब कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और वो ह्यूमन सोसाइटी को भी इफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो दिया हुआ था सिंपल में, और उससे आगे दिया है 1933 में रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि हम लोग एटॉम से एनर्जी नहीं बना सकते हैं, ऐसा हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि एटॉम एनर्जी का सोर्स हो, उनके आधार पर ये गलत था। लेकिन 1938 में क्या होता है,
दो साइंटिस्ट आते हैं, एच ए एच एन, एंड दूसरे साइंटिस्ट हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है उसके लिए सॉरी, ये चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव डिके जैसे नए टेक्नोलॉजी को खोजा, जिसमें हम लोग का क्या होता है यूरेनियम, यूरेनियम का डिके करवाया इन्होंने, क्या करवाया यूरेनियम का डिके। तो अगर आपको पता नहीं है तो यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसको अगर फ्री सरफेस में मतलब कि फ्री एटमॉस्फेयर में रख दें तो अपने आप ही नष्ट होने लगता है, वो अपने आप ही नष्ट होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वही है यूरेनियम। अब यूरेनियम का डिके करवाया गया मतलब कि वही इसको खत्म कर दिया गया, खत्म करने का प्रोसेस किया गया, जिसमें क्या हुआ इसमें काफी मात्रा में एनर्जी निकला जो कि आज न्यूक्लियर एनर्जी का बेस है, और यही न्यूक्लियर एनर्जी क्या है अभी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स में काम आते हैं, और आप सभी जानते हैं कि ये कितने हद तक ह्यूमन सोसाइटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा हमने देख लिया फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के अंडर। अब हम लोग लास्ट में करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, इसके बाद आगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि इसी टॉपिक से पूछा जाए, खास करके जैक बोर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि वर्क में चाहे किसी में भी हम लोग फोर्स को गिनने जाएं तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, टॉर्क, बहुत सारे इंपल्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन भी फोर्स के अंतर्गत ही है। तो क्या हुआ कि फोर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको कैटेगराइज करें तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में बस ये चार फोर्स के पास पहुंचेंगे, और इन चारों फोर्सेस को क्या कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और वो चार में से पहला है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा हो जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, और इन दोनों फोर्सेस को कहा जाता है लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। अब वन बाय वन सबके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में स्क्रीनशॉट, अब आगे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग, द म्यूचुअल एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स,
बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या। इसमें यहां बोला जा रहा है द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। ये क्या बोला जा रहा है इसमें, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। और इसमें मेन रोल किसका होता है, इसके मास का। जो जितना हेवी वेट वाला होगा वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि एप्पल गिरा था अर्थ में, वो इसलिए गिरा क्योंकि हम लोग का अर्थ बहुत हेवी है, उसका वेट मास बहुत अधिक है और एप्पल का मास बहुत कम है। तो जिसके पास अधिक मास होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेगा। वैसे तो एप्पल भी खींचता है अर्थ को, लेकिन मास नहीं होने की वजह से वो अर्थ की ओर आ जाता है। तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। और ये वाइड रेंज वाला फोर्स है, मतलब कि बहुत दूर तक काम करता है। इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, इट इज लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। इसलिए अगला क्या पॉइंट है, इन दिस फोर्स नो एनी मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो एनी मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसमें मीडियम का जरूरत नहीं होता है। और इसमें अगला क्या पॉइंट है, इट इज वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल, चार फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर फोर्स कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन्स के आधार पर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट ए है और यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आर है और इसका मास हम लोग ले लेते हैं एम वन, इसका मास ले लेते हैं एम टू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, ये रुके हुए हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पूछा जाए कि जी क्या है, तो जी होता है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्स्टेंट होता है जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए सेम है। तो ये पहला हम लोग का हो चुका है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। ये सारा पॉइंट है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। ये हो गया, ओके ठीक। दूसरा हम लोग करते हैं, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि नाम ही बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, इसमें भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, मतलब कि द इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन,
दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हम एकदम सिंपल केस बताते हैं जो कि क्लास 12th में मिलेगा, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। यहां मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, यहां कोई दूसरा चार्ज है माइनस Q। तो ये दो चार्जेस हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या ले लिया, R। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होता है F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into minus Q upon R का स्क्वायर। ये होता है एकदम सिंपल केस अट्रैक्शन के केस में। यहां पर है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, मतलब कि ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर यहां माइनस होता तो ये रिपल्सिव फोर्स होता, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहां पर क्या है, 1/4 pi, ये तो कांस्टेंट लग रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया। और इन सबको एक कांस्टेंट का टर्म के भी दे सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स, ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सिंपल में लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, 10^36 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। और दूसरा बात, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में देखे थे, इसमें भी क्या होता है, नो नीड ऑफ मीडियम, इसमें भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। और ये यूनिवर्स में कहीं भी लग सकता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स कर लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसके बाद फिर आगे हो गया स्टार्ट। अब जो हम लोग तीसरा करने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सभी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे मजबूत होता है। तो लिखते हैं, तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहां इसका डेफिनेशन हो जाएगा द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस
जैसे कि यहां पर हो सकता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां देखिए ये क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अब किसी के दिमाग में ये भी तो चल रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, करते कि नहीं? हाँ बिल्कुल करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग अगर ग्रेविटेशन का नाम दें तो गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब यहां पे प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं, रिपेल करेंगे। और ये कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन को एक जगह आने नहीं देगा, वो क्या करेगा रिपेल करके दूर भगा देगा। तो इस वजह से क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस खत्म। न्यूक्लियस खत्म हुआ तो क्या एटम रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि यहां पर ग्रेविटेशन का नाम नहीं दे सकते और ना ही दे सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर वो दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, एटॉम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक नए तरह का फोर्स नाम दिया गया और इसको क्या कहा गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इससे आगे देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, एरिया थोड़ा कम है। इसके बाद इसमें पॉइंट है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, सभी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये होता है 10^2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना टाइम स्ट्रॉन्ग होता है, 100 टाइम्स। और हम इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तब ग्रेविटेशन फोर्स से कितना हो जाएगा, 10^38 टाइम्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10^36 होता है, इसमें और दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10^38 टाइम्स पावरफुल होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारी बातें होंगी। और इसमें नया पॉइंट क्या है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ये जो फोर्स होता है क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये हो गया, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत कम दायरे तक ही काम करता है, लगभग 10^-14 से लेके 16 के बीच में। ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है तो न्यूक्लियस का साइज तो बहुत ही छोटा होता है, ये लगभग उसी के रेंज में काम करता है, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इससे क्या बोल सकते हैं, इट इज सेम फोर, इट इज सेम फोर प्रोटॉन 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 के बीच में जितना लग रहा है हम लोग का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उतना ही लगता है किसके किसके बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। और तीसरा, उतना ही फोर्स लगता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दो प्रोटॉन्स रहेंगे तो भी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेम, अगर दो न्यूट्रॉन रहेंगे तो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेम, और तीसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे तो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेम होगा, इसमें मास का कोई जरूरत नहीं, चार्ज का कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है इलेक्ट्रॉन्स
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई प्रभाव नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो देखिए क्या हो सकता है। ये हम लोग का एटॉम है, एटॉम में ये छोटा सा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे ऑर्बिट हैं इलेक्ट्रॉन्स के। अगर हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम लोग का इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगता तो वो सारे क्या होते, सभी न्यूक्लियस में जाके चिपक जाते, और ऐसा क्या एक्चुअल में होता है, नहीं होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स डोंट फील स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको मिटा देते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हो गया। आगे देखते हैं, लास्ट में हम लोग का वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इट इज स्पेशल न्यूक्लियर फोर्स विच इज observed only in beta decay of nucleus। ये इस तरह का न्यूक्लियर फोर्स है जो कब दिखता है, जब हम लोग क्या करते हैं बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस करते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और उसमें किस रे का इस्तेमाल होता है, बीटा रे का इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस को खत्म करने का काम करते हैं किसका इस्तेमाल करके, बीटा रे का। और बीटा रे में होता है प्लस टू चार्ज, ये हम लोग देख लें। ये क्या है, इट इज अ स्पेशल न्यूक्लियर फोर्स विच इज ऑब्जर्व ओनली इन बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है, बीटा रे का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां इसमें एक पॉइंट है, इट इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कमजोर होता है, बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, तीसरा वीकेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कमजोर होता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से मजबूत होता है। ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब यहां देखिए कि न्यूक्लियस का बीटा डिके करते हैं तो इस न्यूक्लियस से निकलता क्या क्या, बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस बोला है मतलब कि न्यूक्लियस को तोड़ेगा तो बाहर में आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं उनका ऑर्बिट भी टूटेगा और वो भी बाहर एमिट होंगे। तो उनका ये जो ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट से क्या होते हैं, बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिट्रॉन्स, इसका नाम क्या है, न्यूट्रिनोस, सॉरी इसका नाम याद नहीं आ रहा। ये हम लोग का क्या होता है, ये भी एमिट होता है बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस से। ये बात क्लियर है? क्लियर है। तो ये सारा हमने कर लिया,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और क्या छूटा हुआ है। तो इस तरीके से ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं सारे को कंपेयर करके। यहाँ एक और चीज दिया हुआ है बुक में कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोर फंडामेंटल पार्टिकल, मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनको और भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्वार्क्स। बस ये यही था लास्ट। अब सबको एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं या फिर ऐसे ही पहले देखते हैं क्या होता है। सबको एक जगह लेके आते हैं, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सबको बारीकी से देखते हैं। ये क्या होता है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उसका कारण क्या है, मास। ये क्या होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, और इसमें इस ऐसा होने का कारण क्या है, चार्जेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये क्या करता है, ओनली न्यूक्लियस में काम करता है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के जितने भी पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है, इस बारे में, ये तो डिके होता है इसमें, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और एक कंस्टिट्यूएंट यहाँ क्या होते हैं, एमिट होते हैं। ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इन ये क्या होता है, सेकेंड स्ट्रॉन्ग है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या आता है, थर्ड नंबर में आता है, नहीं सॉरी, ये हमारा आता है स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये तीसरा क्या होता है, ये थर्ड नंबर में आएगा, थर्ड। ये देख लिया हमने, और क्या देखेंगे, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये 10^-14 के आसपास में उतना तक ही इसका कैपेसिटी है, ये फ्लक्चुएट इधर उधर कर सकता है बुक के आधार पर। अब यहाँ पर ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखेंगे, ये -16 meters तक इसका रेंज होता है। ये हो गया। ओके, से ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।